सत्यवती, जिनका दूसरा नाम मत्स्यगंधा था जिसका मतलब मछली की खुशबू वाली है, अपने पिता की मदद किया करती थी। लोगों को यमुना नदी को पार कराने में एक दिन आर्षि पराशर ने सत्यवती से नदी पार कराने की मदद मांगी। आर्षि पराशर ने ग्रहों की स्थिति का गणना किया और सत्यवती से कहा कि अगर इस घड़ी में एक बच्चा पैदा हुआ तो वह दुनिया के लिए फायदेमंद होगा। ऋषि पराशर ने सत्यवती से उसकी अनुमति मांगी, लेकिन सत्यवती ने एक शर्त रखी कि यदि ऋषि पराशर बच्चे के जन्म के बाद उसे पुनः कुंवारी बना दे। ऋषि पराशर ने इस शर्त को मान लिया। आपसी सहमति के साथ उन्होंने संबंध बनाया। एक पुत्र के पैदा होने के बाद ऋषि पराशर ने सत्यवती की शर्त को पूरा किया और उसे पुनः कुंवारी अवस्था में लौटा दिया। उससे जो मछली की खुशबू आती थी वो मीठी सुगंध में परिवर्तित हो गई। वह मत्स्यगंधा से योजनगंधी बन गई, जिनकी मोहक सुगंध को हजारों मील दूर से भी पहचाना जा सकता था। जब सत्यवती का बेटा बड़ा हुआ तो वह तपस्या करने निकल गए, लेकिन उन्होंने सत्यवती से वादा किया कि जब आवश्यकता होगी तो वे मिलने आएंगे। उन्होंने अपने गहरे ध्यान के बाद वेदों की रचना की और उनका नाम वेदव्यास पड़ गया, जो महाभारत के रचयिता भी बने। श्री कृष्ण को मानने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।